शुरू करें फिर। यह है बोया का माइक। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोया के इस माइक की। ये माइक मैंने अपने आगे के YouTube वीडियोस के लिए मंगा रखा है, तो आगे आपको मेरे वीडियोस की साउंड क्वालिटी और बेटर मिलेगी। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। ये बोया का M1 माइक है फॉर स्मार्टफोन्स, कैमकॉर्डर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एक्स्ट्रा। तो आप इसे अपने स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर या DSLR में यूज कर सकते हैं। इसके रिव्यूज़ बहुत सही हैं और ये मुझे पड़ा लगभग 1000 रुपये समथिंग का पड़ा है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया तो ये मुझे लगभग 1170 रुपये का पड़ा। इसका नॉइस कैंसिलेशन बहुत बेटर है। तो आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। एक कार्ड मिला हमें और इसके साथ एक ये मिलेगा यूज़र मैनुअल। ये एक बोया का पाउच मिलता है और इसके अंदर हमें मिलेगा सिलिका जेल। इसमें मिलता है, ये है हमारा माइक। इसमें हमें 6 मीटर की केबल मिलती है। यह है इसका ऑन ऑफ स्विच और इसमें सेल पड़ता है। मतलब अगर आप इसे DSLR से यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आप सेल डाल के ये आपको एक सेल मिलता है, ये सेल आप इसमें डालेंगे। और अगर आप इसे DSLR से यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसे स्मार्टफोन से यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको सेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे कैमरे में यूज कर रहे हैं तो आप इसे सेल डाल के कैमरे में स्विच ऑफ कैमरे में कर देंगे। और अगर आप इसे स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं तो इसे आप स्मार्टफोन में कर दीजिए और ये आपका रिकॉर्ड कर लेगा। इसके साथ एक मिलेगा आपको सेल और इसमें मिल जाएंगे आपको, ये है एक अडैप्टर। अडैप्टर कहाँ यूज होगा, इसके साथ ये अडैप्टर मिलता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्टफोन में इसी से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये विंड कैंसिलेशन के लिए इसमें पॉप हो गया और साथ में आपको मिलेगा एक क्लिप। तो इसमें हमें यही चीज़ मिलते हैं। अब एक बार हम इसे चेक करके देखेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, लेकिन उसके लिए हम इसे यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ, हाँ अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर तक। ये वीडियो अभी शूट हो रहा है मेरे LG स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा, और इसमें जो अभी आप साउंड सुन रहे हैं वो मेरे फोन से ही सुन रहे हैं। जो फोन का माइक है उसी से साउंड आ रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये जंगल है और मैं यहाँ मंदिर में आ रखा हूँ। यहाँ पे एक शिव मंदिर है तो मुझे खाली जगह यहीं पे मिली, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। और इस तरफ यहाँ पे नेशनल हाईवे है, जिससे कि आपको साउंड का पता चल जाएगा कि साउंड कैसा आ रहा है। और ये अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये मेरे फ़ोन के माइक से आ रहा है। अभी मैं फ़िलहाल इसमें अपने जो मुझे इस फ़ोन के साथ हेडफोन मिला है मैं उसको लगा के देखूंगा कि उसका साउंड कैसा है। अब जो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा ये जो मुझे फ़ोन के साथ हेडफोन मिला है इसके माइक से सुनाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि साउंड में कितना अंतर होगा ही, क्योंकि फ़ोन के माइक में जो साउंड होगा उसमें नॉइस ज़्यादा होगा और जो आपको इसके माइक से साउंड सुनाई दे रहा होगा उसमें नॉइस कम होगा। और अब मैं आपको ट्राई करता हूँ बोया का जो माइक मैंने लिया है उसको लगा के देखते हैं कि उसका नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। अब जो आप साउंड सुन रहे हैं ये साउंड आ रहा है इस बोया के माइक से। मैंने माइक लगा दिया है और अब आप देख रहे होंगे कि नॉइस कैंसिलेशन कितना ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई गाड़ी अभी नहीं चल रही है, अभी गाड़ी चलेगी तो आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पे एक ट्रक चल रहा है, ये गाड़ी गई तो आपने जज कर लिया होगा कि साउंड कितना ज़्यादा है। ये मेरे जस्ट पीछे जंगल है और यहाँ पे नेशनल हाईवे जा रहा है। अब आप देखिए गाड़ी चल रही है और ये जो साउंड सुन आप सुन रहे हैं ये बोया माइक से सुन रहे हैं, पीछे से ट्रक जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि साउंड कितना क्लियर होगा इसमें। मैंने अभी फुटेज चेक नहीं की है तो सीधी सी बात है 1000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो साउंड इसमें अच्छा होगा। अभी मैं जब एडिटिंग करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि साउंड की क्वालिटी कुछ बेटर है नहीं है। ये रेगुलर पीछे से गाड़ियाँ जा रही हैं। मैंने ये माइक इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने आगे के वीडियोस की क्वालिटी सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, इस वजह से मैंने ये माइक ऑर्डर किया है। जहाँ तक मैं यूट्यूब को समझता हूँ, अगर आप यूट्यूब में बिगिनर हैं या यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका माइक होना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी इस टाइम पे जितने भी स्मार्टफोन हैं लगभग सभी में कैमरा ठीक है। अगर आपकी लाइटिंग कंडीशन ठीक है तो कैमरा मोबाइल का कैमरा कैसा भी है वो अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन जो आपकी ऑडियो है वो बहुत मेन होती है। अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जो ऑडियंस होगी वो इंगेज नहीं रहेगी, वो आधा वीडियो देख के चल देगी। मतलब आप वीडियो कितनी भी अच्छी डाल दीजिए साउंड ठीक होनी चाहिए। और अगर पीछे से नॉइस कम सुनाई दे वीडियोस का
तो आदमी को वो बेशक पसंद आएगा। मैं अपने आगे सारे वीडियो इसी से शूट करूंगा। अभी इसी महीने अक्टूबर में मेरा 4-6 दिन का ट्रिप अपने दोस्तों के साथ बन रहा है, तो मैं उसके पर डे के वीडियो आपको शूट करके इस चैनल में दूंगा। वीडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका सेटअप या कैमरा कैसे काम कर रहा है ये वो चीज़ें, मेरे को लगभग आधा घंटा या एक घंटा हो गया है इसका सेटअप में ही, और अभी ये 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होगी यहाँ पे, तो मेहनत बहुत लगती है। इसके बाद मैंने घर जाके एडिटिंग करनी है। मेरे पास 2 दिन की छुट्टी थी, आज 2 अक्टूबर है, कल 3 अक्टूबर, तो आज और कल की मेरे पास छुट्टी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2-3 वीडियोस की शूटिंग अभी कर लूँ और उसको मैं धीरे धीरे एडिटिंग करके आपको हर 5 दिन में मैं वीडियो दूंगा। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं वहाँ के भी आपको वीडियोस दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर दबाइए, अनलाइक का जो बटन है उसको थोड़ा सा उससे दूर रहिए, कृपा बरसेगी। और अगर आपको अपने कुछ सुझाव देने हैं या अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।